गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज डेट 22 सितंबर और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30 और आज है सैटरडे। तो आप लोगों की इस वीक की लास्ट वर्कशीट है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास 9। और एक काफी जो डिमांड आ रही है बच्चों की 9th क्लास के सिलेबस को लेके आ रही है, तो वो आपका संडे को मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो होगी, जैसे SST में से क्या कम हुआ है, 30% जो रिडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो दूसरी बात, आप लोग इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डबल मेहनत करनी चाहिए और आसान तरीकों से और चीज़ों से सामने आकर आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो वो प्रोसेस भी बैकएंड में चल रहा है, ठीक है। उसके लिए भी कि सामने आके लाइव आके आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाना है वर्कशीट्स के अलावा, तो वो भी पीछे बैकएंड में चल रहा है, मे बी नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। तो बच्चों, आज की वर्कशीट जो है हमारी पिछली ही वर्कशीट का कंटिन्यूएशन है। तो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था मोडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मोडल्स ऑफ परमिशन, ठीक है। कैन, कुड, मी, ये तीनों ही मोडल्स ऑफ परमिशन होते हैं, यानी कि जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी से किसी काम को करने की अनुमति मांगते हैं। ओके, जैसे मोडल्स ऑफ परमिशन, कैन टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट। कैन प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और ये एक पॉजिटिव टोन है और इनफॉर्मल, यानी कि आपको अपने मम्मी से पूछना है या फिर अपने किसी फ्रेंड से पूछना है, कैन आई गो होम, यस यू कैन गो, ठीक है। अगर आपको किसी बड़े से पूछना है, ठीक है, टीचर से पूछना है या फिर अपने किसी बॉस से पूछना है, तो फिर इन जो फॉर्मल होगा, हम फॉर्मली बहुत पोलाइटली बोलेंगे, तो हम मे का यूज करेंगे, मे आई गो होम। ओके, अब कैन नॉट जो है नेगेटिव सेंस में, तो अब जो आपके टीचर है, जो आपके फ्रेंड है, नो यू कांट, ठीक है। लेकिन दोनों ही किसमें है, इनफॉर्मल में है। इसी तरीके से मे नॉट, मे नॉट भी क्या है, प्रेजेंट में होगा दोनों ही, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों ही क्या है, फॉर्मल। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो कैन है वो हमेशा आपका इनफॉर्मल में, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो या फिर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, उस टाइम पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप अपने टीचर से या अपने प्रिंसिपल से बात करते हो, तब कोई परमिशन मांगते हो, तो तब आप मे का यूज करोगे और तब फॉर्मल यूज होगा इसका, ठीक है, मे और मे नॉट दोनों का। कुड और कुड नॉट, ये दोनों ही पास्ट टेंस में यूज होंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और ये भी पोलाइट और फॉर्मल के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कैन आई गो होम, Giving permission, yes you can. Refusing permission, no you can't. Could I ask you a question, please? Yes, please. ठीक है? No, you can't. Later. वो कह रहे हैं कि नहीं, बाद में पूछना. May the children buy a new book? Yes, they may buy a new book. Now, sorry, no, they may not buy a new book. ठीक है? तो अब हम questions करेंगे. अब अपनी mother से पूछ रहा है, mother, may या फिर could? तो देखो present में प्रेजेंट वाली चीज यूज होगी, क्योंकि अभी वो या कि आप फर्स्ट फॉर्म है, तो मे मदर, मे आई गो टू प्ले, ओके, निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्योंकि फ्रेंड से पूछ रहे हो, तो कैन डैश यू गो टू द फर्स्ट फॉर्म है, तो टू द पार्क वियरिंग ए पार्टी ड्रेस, यू कांट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, यू कांट, You can't go to the park wearing a party dress. Mr. Bina, sorry, Mrs. Bina dash go to. तो ये तो हमें पता लग गया कि first form वाला कुछ use होगा. तो go to her office during the lockdown. तो वो जा नहीं सकती है, ठीक है. Mr. Bina can't या फिर cannot go to her office during the lockdown. I ask What your name is? जब हम परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज किया जा सकता है, वैसे तो कैन भी यूज कर सकते हैं, है तो ये परमिशन मोडल्स ही, लेकिन हमें फॉर्मल या इनफॉर्मल के टाइम में अब हमें नहीं मालूम कि किसको हम पूछ रहे हैं, टीचर को पूछ रहे हैं या अपने से बड़े को पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, कैन भी और मे भी। तो हम पोलाइटली पूछते हैं, मे आई आस्क वट योर नेम इज, ठीक है, डैश You help me doing the worksheets. I am confused about one question. So, can, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे होंगे, कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट वन क्वेश्चन। अगर आप अपने टीचर से पूछ रहे हैं तो मे यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट वन क्वेश्चन, ठीक है। अब बिफोर द लॉकडाउन यू कुड ट्रेवल एनी वेयर, क्योंकि आप लॉकडाउन से पहले की बात कर रहे हैं, है ना, तो कुड आए हुए हैं, क्योंकि पास्ट में कुड यूज करते हैं। अब देखिए, हेलो
डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज, ठीक है, तो मे आएगा, अभी परमिशन ले रहे हैं, मे आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज, देन कैन आई, यहाँ पे कैन आएगा, कैन आई स्पीक टू मुकेश, क्योंकि मुकेश एक नॉर्मल पर्सन है और उससे हम पूछ रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर दिव्या थी तो इसलिए हमने मेकअप लगाया कि एक डॉक्टर है तो उनसे उनके अकॉर्डिंग ही बात की जाएगी। दिस अनाउंसमेंट इज फॉर ऑल पैसेंजर्स, यू डैश फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ, ठीक है, दिस अनाउंसमेंट इज फॉर ऑल पैसेंजर, यू मे फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ, ठीक है, तो वो एक तरह से ज़रूरी है उनको करना। तो ये थी हमारे मोडल्स के क्वेश्चंस, अभी जब हम मोडल्स करेंगे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि मोडल्स हैं क्या, मोडल्स मैम ने आपको समझाया ही था, मोडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ठीक है, जो मेन वर्ब के रूप में कभी भी यूज़ नहीं होंगी, यानी कि जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिफ्ट क्या है, मेन वर्ब है, और कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से शी कैन हेल्प यू, ठीक है ना, हेल्प क्या है हमारी, शी हेल्प यू, सेंटेंस गलत नहीं होगा अगर आप इसको काट दोगे तो, लेकिन शी कैन हेल्प यू, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी मेन वर्ब की, तो कभी भी ये मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकते। अब जैसे हमने मेन जो वर्ब वाला टॉपिक किया था उसमें हमने, वेट अ सेकंड, हमने यही तो किया था ना कि देखो जो वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब का मतलब होता है डूइंग वर्ड, यानी कि कोई भी काम करना, वर्ब को दो भागों में बांटा था हमने, एक हेल्पिंग वर्ब थी और एक मेन वर्ब थी, ठीक है, मेन वर्ब जैसे कि रन करना, ठीक है, हेल्प करना, डांस करना, ठीक है, सो मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की थी, एक तो हमारी मोडल्स थे, ठीक है, और दूसरी प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब, बी की, जैसे बी का हो गया इज, एम, आर, बी की फॉर्म जो है आर, वाज, वर, ठीक है, डू की फॉर्म क्या होगी, डू, डिड, डन, ठीक है, हैव की कौन सी फॉर्म होगी, हैज, है, ठीक है, ये जो सारी है ये हमारी क्या है, बी, डू, हैव की फॉर्म है जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों की तरह काम कर सकते हैं। जो बी, डू, हैव वाली, यानी कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हमारी दोनों की तरह काम कर सकते हैं, मेन वर्ब की तरह भी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी, लेकिन जो मोडल्स है वो कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेंगी, वो उनका एक सिर्फ ये काम होता है कि वो मेन वर्ब की हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आपका मोडल्स का टॉपिक था अभी, तो आगे चलेगा ये आपका मोडल्स का टॉपिक, अभी कई वर्कशीट और आएंगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, तो आप अच्छे से करिएगा इनको, और जो रूल्स दिए हैं एटलीस्ट आपकी जो वर्कशीट में जो रूल दिए हुए हैं उनको देखिए, आपको ऊपर वाला तो आपके पास ये वर्कशीट तो है ही, आप अच्छे से इनको एक बार रूल्स को पढ़ लेंगे तो फिर ये 10th क्लास में भी ग्रामर वगैरह आएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिख, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।